वक्त बिगड़ जा भीड़ पड़ी में कोई बिरला माना डटा करा सबर शांति गम खाने का पिछे बेरा पटा करा सदर करा आयो पकम्बर ना सबर करा आयो पकम्बर सारा साल बड़ो बास रहा सारा बदन में कीड़े पड़ गए ऐसा गाथा का नाश होया करा वतन से दूर पकम्बर 18 साल बड़ो बास रहा बालों की भीत पछीत का पानी सोम की संगत सदा दई और समझदार न प्यारी लगी जो सुकून में बात कही बेसमझी में मूर्ख आदमी उल्टी बाणी रचा कर सबर शांति का पकाने का पीछे। इस वक्त जी मैं अपना खड़े हूँ डूंगा बूंगा शहर है यू अपना जिला बावल नगर तहसील जिला बावल नगर डूंगा बूंगा है और ये जो सहना भाई अपना अब्दुल कादर गौरी अपना पुलिस में है इन्हें मेरे सपोर्ट के लिए लेके आए हैं चलो जी मिले और हम इंटरव्यू करें उधर ज्यादा सिवानी वाले हैं वो तो कई गामा के हैं लेकिन मेजोरिटी सिवानी पूरा सिवानी के बुजुर्ग का टाइम थोड़ा है मेरे पास लेकिन मैं सोचा चलो एक बुजुर्ग का इंटरव्यू कर लूँ तो उन्होंने मिलूँगा सिवानी वाले बुजुर्ग हैं एक ने मिलूँगा। इसके अलावा तो बता दूँ कि काफ़ी जो से है ना महाजर उनमें अपना गुलाबली काफ़ी बड़ा फेमस कस्बा है और सूडा बाकी हरूणाबाद और जो सा है भावनगर ज़िला बाकी काफ़ी सारे हैं आऊँगा बाद में कदे कंप्लीट अपना विजिट करने वास्ते लेकिन फिलहाल ये बुजुर्ग हैं इनका इंटरव्यू करा। यो नंबर है जी यो भाई है अब्दुल हैं अब्दुल कादर का नंबर है और ये अपना बल्कि हमारा हरियाणवी ग्रुप के भी काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं माशाल्लाह और बहुत सारे लोग तो जो से हरियाणवी ग्रुप में एक्टिव हैं तो इन्होंने जान दी भी होंगे तो इन्होंने आपका सिवानी गांव वाले अगले बुजुर्गों के लिए मुलाकात करवाई है लेके स्पेशल इस वास्ते और ये इनका मैं नंबर देऊँ हूँ भी जो कोई बंदा इन बुजुर्गों के लिए बात करना चाहवा तो ये नंबर है इन बुजुर्गों के लिए या कोई भाई अब्दुल कादर के लिए भी बात करना चाहवा तो उस पर यू नंबर है जी 0092301771900 स्क्रीन पर भी दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ मैं तो और रिपीट भी कर दिया मैंने। अच्छा जी ये बुजुर्गों पहुँच गया ये बुजुर्ग हैं मोहम्मद इसाक वल शरफ अली सिवानी गांव थे इनका मोहम्मद इसाक ना मोहम्मद इसाक वल शरफ अली सिवानी गांव के और ये पर बुजुर्ग अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग। अच्छा तेरा नाम क्या है अपना? अली शेर और तेरा अब्बा का नाम क्या था? वली दा। अच्छा और सिवानी में रह करते तुम भी? सिवानी में। ये भी एक के खानदान वाला? अच्छा खानदान भी एक के है? ठीक है राजा के जाए ये भी बारह खानदान के। अच्छा यानी तुम सारे एक के कुनबा के बैठे हो? हां ये मारा खानदान के इतना है कि मारा बड़ा दो था ना इनका कोई बाहर से लिकड़ का आता हमारा पटन रख दिया था अब इसने कर दी मेरी ये बोली दिया जी ये मारे तेली और भी देख को। अच्छा तो इसका अपना जो सिवानी गांव था इसके अलावा तो कौन से गांव थे? एक गांव था खरकड़ी। ठीक है। एक गांव था बख्तौरपुरा हिंदुआ का। एक गांव था जनाब चौधरी बात मुसलमाना की। अच्छा। एक बड़ुआ था वह हिंदुआ का। अच्छा। किकराल मुसलमाना की। ठीक। और जनाब आधार जिला आधार मारन नेड़े था जिस तरह बावनापुर गया ब्याणी तहसील भी नेड़े सी और खेड़ा गड़कोट ये हमारा मुसलमाना काम। और रिश्तेदारी कौन से काम में थी? रिश्तेदारी थोड़ा काम में ये थे कि भाई वो काम भी खत्म हो गए रिश्तेदार भी खत्म हो गए ਉਹ ਪੁੱਛਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤਾਰੇ ਮਾਮੇ ਬੂਆ ਤਾਰੇ ਸਾਸਰਾ ਵਾਲੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਕੁਛ ਕੰਮਾਂ ਬਹਿ ਰੱਖੇ ਥੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਥੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨੰਨਾ ਮਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਇ ਦਾ ਸੋਣੀ ਕਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਥੇ ਹਮ ਤੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੱਛਾ ਵਾ ਮਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨੰਨਾ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਾ कई साल करी रहेगा कि नौकरी हिंदुस्तान में वो भी बाल से पूछ लूं। अच्छा बुजुर्ग मुसलमान कितने थे तेरे गांव में सिवानी में? मुसलमान? हाँ जी मुसलमान का शरीर शरीर का वही नहीं ना मुसलमान कितने थे? अरे मैं बताऊँ ना जी। हाँ जी 25 घर थे।
अच्छा 25 घर हाँ मुसलमाना के हाँ अच्छा 25 घर थे। उसके बाद में फिर बद गए कम से कम भी कई हजार घर बन गए। ठीक हाँ उन गांव में घने थे मुसलमान? हाँ मुसलमान नहीं सारे। अच्छा मुसलमान ना क्या गांव था? हाँ हिंदू कितने थे? हिंदू बाणिये थे। अच्छा बाणिये थे? हाँ बाणिये थे। वैसे ऐसे थे बिस्तर तीसर यानी कि 650। अच्छा बस थोड़े बहुत थे। हाँ किसी का नाम भी याद है किसी बाणिये का? हाँ नाम याद है। किस के नाम थे? नाम अच्छा दुकान तार गांव में कर रखी और किसी का नाम याद कौन? देखो चूड़े चमार भूल गया तारे याद है बुजुर्गों का नाम किसी बाणिया के नाम? बाणिया के नाम याद किसी का भी नहीं और किसी हिंदू के नाम किसी के तार गांव वाले के हिंदू गांव थे वो भूल वाली पता ज्यादा नरसी बाणिया था। अच्छा नरसी बाणिया मशहूर। अच्छा गुलजारी नरसी तो मशहूर था। उसका बेटा का नाम था खुशिया। बेटा का नाम खुशिया? अच्छा मरने बाद जरा मरने से पावा 10 दिन पावा खान बाद जरा बापू इसे ना मरिए। अच्छा इसे ना मरिए काम मंदा है। अच्छा मंदा काम है अगर खुशिया ऐसे न्यूका से देना मरिए। हाँ ये शिवानी काम सारा न्यूका से तो ये खुशिया मरे तो हमने लड्डू मिला। अच्छा तो वह काम करा कर दे। अच्छा अच्छा फिर वो खुशिया नाम नरसी मर गया। अच्छा मर गया तो मरने के बाद 1.5 किलो का लड्डू दिया था। अच्छा हर करता है फ्री आदमी? फ्री आदमी 1.5 किलो लड्डू कम से कम कई हजार। तो मरे हुए लड्डू क्यों बांटा करते? अच्छा खरात करा करते। अच्छा मुसलमान ने भी दिया करते? मुसलमान ने दिया करते। अच्छा नू कौन था भी हिंदू भी मुसलमान एक दूसरे का मरे मुरे पर जाया करते हिंदू मुसलमान जाया करते। अच्छा नू कौन था भी हम हिंदू का क्यों जावा ये हिंदू सोचे मुसलमान का क्यों जावा? अच्छा मरे हुए पर अफसोस करने जाया करते? अफसोस करने जाते वो अलग बैठ जाते वो अलग बैठ जाते। अच्छा ये जो उनका मर्जा करता मुसलमान भी जाया करते? हाँ वो इस्लाम में बैठ जाते। अच्छा मुसलमान इस्लाम में बैठ जाते। ठीक मुसलमान आपका तुम्हें पढ़े जाते वो भी तुम्हें तुम्हें पढ़े जाते। अच्छा मुसलमान आपका पढ़े जाते मैं आपका पढ़े जाते। हाँ फिर तो अभी आन जान ठीक थी हिंदू मुसलमान ना की? हाँ नू कोनी था भी क्यों कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई झगड़ा कोई बहस जीत? अच्छा ठीक था आन जान ठीक। अच्छा मुझे ये पूछूँ मैं इन पर पूछूँ था मैं पहले हिंदू वहाँ की मुसलमान ना की आपसरी में रहन सहन किस हक था? रहन सहन तो ये तो हमारा गाँव में जो हिंदू थे ना वो दूसरा गाँव वाला ना तो दूसरा काम का आकर उन्हें लड़ता या उनका सॉरी करता तो माता का माले दो कुनिया आकर माता देव था ये बाणी ये बुनिए थे और कंबी काली मनिया तो ये चूड़े चमार थे चूड़े हो गए नाई हो गए उनके नाम याद कौन किसे के चूड़े देवबा बामन था एक तो। अच्छा देवबा बामन था? हाँ एक वो देखा रहा देवती और नाई था। अच्छा एक था। अच्छा ये था ये हिंदू थे और बाणिया के नाम थे कई याद को नहीं भूल पा नहीं तब किसी दुकान पर जाकर सामान किसी दुकान पर ले आकर दे तुम बाणिया के जा नहीं किसी दुकानदार के याद को नहीं नाम ने वो एक जगह तो पहुंची और दुकान जिस तरह दूंगा बाजार को नहीं। अच्छा अच्छा इतना बड़ा बाजार। अच्छा बड़ा गांव था फिर बड़ा गांव पांच पांच पाने थे हमारे गांव के। अच्छा
जो ये थे ना हिंदू मारता मारा गांव में ये बाणिया का चौधरी शादी कर फुटे गांव में चले जा रहे थे मारा गांव में तो सुनिया का सर गांव जो बड़ा तकड़ा गांव होगा ना तकड़ा गांव ठीक ठीक 1444 गांव इकट्ठे करे तो मारा राजपूत ने उनमें दौत दी थी इसने 1444 गांव छोड़े हुई राजपूत के ठीक ठीक राजपूत के और बाणिया ने कहा जो उठा था सस्ता जमाना था 50,000 रुपये ने उनका काज उठने का क्या मतलब काज किस तरह उठाया करते काज के उठना काज उठाया था क्या मतलब भी खाना पीना का हां खाना पीना भी आन दे बंदे जी ने आ टिक्का लग गया था राव साहब पे अच्छा 1444 गांव का टिक्का लग गया था राव साहब वाह जी वाह अच्छा उनका जाया करता हुआ ठीक राव साहब बहादुर भी उसके डेली बंदे बड़े थे शादी के किसी किसी का शादी होंगी 500 रुपये उसका बजा पुसा ठीक जिस 500 रुपये इबुरा आ गया मैं 5,000 बन गए थे इबुरा आ गया हुआ है इबुरा आ गया मैं कौन वो है राव साहब बुरा आ गया वो कटा हुआ मजा आएगा अच्छा अच्छा इंदू राजपूत भी थे तारा लावा तो रखे गामा में इंदू राजपूत दूर से मारा अच्छा दूर से तारा गामा में नहीं थे उनके लिए कोई था तालुक वास्ता हाँ बड़ा वास्ता था तो ज्यादा बिकर नहीं दिया कौन था हिंदू था वो हाँ, बड़ा था मारा उनके हमने उनसे ना गाड़ी थी जिसका बैठते थे अच्छा रेलगाड़ी पाकिस्तान में पहुंचाने वास्ते खास दिन रेलगाड़ी चल रही अच्छा लू बोली था उसने भी इन्हें नहीं मुसलमान है क्यों थे इसी नहीं सोचा नहीं 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 जो अपना काम था वो बैठ गया जो बाहर सारे थे वही मैं बड़ी यानी तारा सिवानी गांव वाले तो सारे थे हां सारे बड़े और कुछ लगा के तो वे भी आ गए हां जी अच्छा मजे की बात ये कि पूरा शिवानी गांव में इतना बाप भादत आया था अच्छा राम ने फोन था गांव आ गए निकल नहीं की वजह से अच्छा 20,000 तीन गाड़ियां में तो नहीं तार गांव पर कोई अटैक होया याद तो सहना वह जुमेर के पास जाया को ना हाथ ली गई शिवानी गांव का बैर को अच्छा और वो ऊपर टिब्बे पे थे क्योंकि टिब्बे थे उठे तो अच्छा जिस वक्त जुमा पढ़ के अंदर पन्ना इकट्ठा है ना गांव में फिर पूरा हो जाए रहते हैं टिकन कौन देवेंगे भाई ये हमला करेंगे इनका इतने बंदोबस्त कर दो दिन दिन में अच्छा बस उठे से फिर अल्लाह का नाम लेके मार के नारा जीव लग गए ना वह सारे नीचे और ये ऊपर टिबड़े पे और वापस मर्दे चले गए बुजुर्ग का कहना है कि उनमें एक पता नहीं बिल्ली पता नहीं एक कतूरिया वो मैं को टबेर साले गिरते गए मरते गए गिरते पर गए बस अल्लाह की तरफ चार दिन का सामान राशन पका के जाए थे हिंदू कोई शिवाने काम ना मार के ना रोटी ये कोड़े जमा गए और खावा पियोगी ना मार काम अच्छा कि कौन सा अच्छा जो एक रात में फाल हो गए नहीं कौन सा गम्मा के थे मेरा कोई किन गम्मा के थे मैं कड़ाता थे ये हिंदू बोलो का इकट्ठा हो गया था अच्छा देश इकट्ठा हो गया हिंदू थे ना वो हिंदू भाई इकट्ठे हो गए ना आए थे हिंदू था कि नहीं और अच्छा लाखों गम्मा के थे हां लाखों गम्मा जी पूरा अच्छा यानी पूरी पूरी फौज बन का आवे थी हां अच्छा लाखों आदमी हां नहीं फिर तो मोर्चा बंद हो गया सिवानी का मोर्चा बंद हो गया या किस तरह मोर्चा बंद हो गई जी
ਮੁਸਤਫਾ ਬੀਬੀ ਕਰਾਕੇ ਦੀ ਹਮਨੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਜੀ ਪਿਛੜੀ ਘਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਯਾਨੀ ਤਾਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਬਾਈ ਉਸੇ ਮਾਰਨੀ ਆਏ ਤੇ ਉਨਕਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ 20,000 ਮਰੇ ਰੋਟੀ ਲੱਗੜੀ ਪੜੀ ਖਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਆਏ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਠੀਕ 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 ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਰਾ ਕਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਚੱਲ ਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਣੀ ਗਾਮ ਦਾ ਚੱਲ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲੇ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਆਵੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੀ ਮਾਰਾ ਪੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਰਾ ਪੰਨਾ ਬਾਕੀ ਗਾਮ ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਸੇ ਲਾਵਾ ਦਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਆਵਾ ਕੋਈ ਨਿਗਰਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੀ ਨਮਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰਾ ਗਾਮ ਮਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਥਾ ਸਵਾਣੀ ਦਾ ਹਾਂ ਸਿਮਾਨੀ ਕਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਮਾਨੀ ਕਾ ਆਪਕਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਥਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਕਾ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਕਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਥਾ ਮੰਡੀ ਥੀ ਅੱਛਾ ਸਿਮਾਨੀ ਮੰਡੀ ਥੀ ਅੱਛਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਥਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਥਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਥਾ ਦੂੰਗਾ ਠੀਕ 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 ਯਾਨੀ ਕਈ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲਿਆਈ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲਿਆਈ ਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਥੋਂ ਸਾਥੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੁਮ ਲੈ ਕੇ ਕੜੇ ਛੋੜ ਕੇ ਗਈ ਗੱਡੀ ਉਹ ਜਗਾ ਛੋਟੇ ਜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਅਨੋਪਗੜ ਇਹ ਨਾ ਤਰੇ ਅਨੋਪਗੜ ਅਨੋਪਗੜ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਅਨੋਪਗੜ ਦਾ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉਰੇ ਬੈਠਾ ਅਨੋਪਗੜ ਦਾ ਇਹ ਫੋਟਾ ਬਾਸ ਅੱਛਾ ਤੁਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਨੀ ਸਿਵਾਨੀ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋ ਅਨੋਪਗੜ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਗੱਡੀ ਕੜੀਆਂ ਕੈਫ ਕੁਮ ਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਗੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤਾਰੀ ਗੱਡੀ ਸਿਵਾਨੀ ਤੈ ਸਿੱਧੇ ਅਨੂਪਗੜ ਲਿਆਈ ਕਿ ਕੜੀਆਂ ਰਾਮ ਹੈ ਕੈਂਪ ਮੰਗਾਈ ਤੁਮ ਸਿੱਧੇ ਉਰਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਤੁਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਗਏ ਕੋਈ ਇਸੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਏ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੋਟ ਮੋਟ ਲਵਾਰੀ ਬਾ 12 ਜੈ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕੋਸੇ ਕੋਸੇ ਗਾਂ ਗਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋ ਦੋ ਚਾਰ ਦੋ ਚਾਰ ਜੀ ਕਰੋੜੀ ਅਸਰਾਂ ਜਿਸ ਪਰ ਹੋਆ ਸਿਲ ਬਟਾ ਸਿਲ ਗਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਈ ਗਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ 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 ਇਹ ਗਾਂ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੁਹਾਰੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਠੀਕ ਠੀਕ ਲੁਹਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 12 ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਹੈ ਪੂਰੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਪੂਰੇ 12 ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਜੀ ਲੁਹਾਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂ ਲੁਹਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਿਆਲੀ ਹੈ ਜੋ ਦਸਵੀਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਬਰਪਤ ਬੈਠੇ ਰੋਹਾਸ਼ਮ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਲਿਆਲੀ ਕੇ ਹੈ ਸ਼ੀਲਗਾਮ ਵੀ ਉਰੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਸ਼ੀਲਗਾਮ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਨਾਮੇ ਸ਼ੀਲਗਾਮ ਸਿਰ ਬਾਕੀ ਗਾਮ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ ਠੀਕ 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 ਬਲਿਆਲੀ ਗਾਮ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਗਾਮ ਸੀ ਬਲਿਆਲੀ ਮੰਗਾਲੀ ਸ਼ਿਵਾਲੀ ਆਰਮੀ ਸਬਸੇ ਘਣਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨਕਾ ਦੋ ਕੰਮ ਕਲਨੌਰ ਖਿਜਰੇ ਬੈਠੇ ਉਰੇ ਕੋ ਦੇਖਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਘਰ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੀ ਜਿਵੇਂ ਖਿਜਰੇ ਉਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਅਜੈਬ ਵਾਲੀ ਉਰੋ ਬੈਠੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਹੈ ਅਸਾਰ ਰੋਹਤਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਕਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ये जो एमपीए का हल्का है ना तकरीबन एक तो घर कट गया यो नहीं तो सारा रामगढ़ मार्ग का जितना था वो सारा हमारा कम है। अच्छा बाबा की उम्र का एक तो इनका खानदान का पत्तू है देखा पत्तू तो ना आज मुल्तान है देखा है हाँ हाँ अरे एक बार तक देखा है अख्तर मेरा तो बड़ा है। अच्छा हाँ ठीक हाँ जी अख्तर हबीर का हाँ जी हाँ जी हबीर ना चल पत्तू का इंतजाम हो गया माना है उसका विवाह काम करें जब वो सारी अख्तर भी सुनावा देना पत्तू का अख्तर ठीक है जी। अच्छा तो कोई बाबे अगला बात करना चाहूँ फिर अपना ठीक है जी। मैं उरा आया था टाइम भी थोड़ा है जाना है युवा भाई बैठे हैं अब्दुल कदीर इसका मैं नंबर दूँ ठीक है भाई को बुजुर्ग अगला बात करना चाहो ना तो फिर नंबर के नंबर तरह रिपीट कर दे 0092 0092 3017 11 990 ठीक है। राणा शबीर देखा था ना सुनिया राणा शबीर हाँ जो एमपीए था हमारा एमपीए था जो सा एमपीए वो खेड़ा का था हमारा अच्छा अच्छा था चौहानी गांव का वो अपना जो सा था हम तो मेरे हाथ में तो नहीं पता इतना उसका नाम तो था तो उसका बड़ा भाई था कोसर शबीर बड़ा चैनल है बस आज था कि ना उस पे चलावेगा नाजू नाजू को उस पे फिर इंडिया जो है उस जगह पे जो अपने गांव के लोग उन्होंने तो बल्कि फरमाइश की लंबे के बीच में घर वाला को शिवानी काम का है ना उससे उसका इंटरव्यू करके आपने उस पर दिखाई अच्छा गुरु तुम भी से आप रसवाणी के हो हां जी रसवाणी अच्छा यानी तुम तर और एक के कुल बैठे हो हां एक के कुल बैठे हम सारे रसवाणी अच्छा गुरु और किस किस गांव के बैठे हैं पूरा ये जो तक मर दिया पूरा कोई दो चार घर कांदरिया के बैठे हैं हां जी कांदरिया के दो चार घर बैठे हैं कांदरिया के हां अच्छा कलानौर के बैठे हैं ठीक है और रसवाणी गांव के बैठे हैं और वैसी के भी बैठे हैं वैसी के भी हैं हां वैसी के भी हैं मुंगाई के भी दो तीन घर बैठे हैं अच्छा अच्छा तो रोत की भी हैं रोत की है तो मेरे घर अच्छा पसार के हैं सारे हाँ जी डचरिये भी डचरिये बैठे हैं डचरिये डचर के तो करनाल का नहीं थी डचर तो डचर तो करनाल नर्दक में डचरिये तो उड़े भी बैठे हैं बल्कि बखर का नहीं भी बैठे हैं डचरिये तो नूरपुर थल का नहीं एक दो हाँ जी लाड़ी के भी है एक दो घर अच्छा 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 और अपना बागड़ के बागड़ी भी है उरा है हां बागड़ी बैठे बागड़ी बहुत है अच्छा बागड़ी हां बागड़ी भी हां जी बागड़ी बैठे दिल्ली में भी सिंधी में यार अच्छा और बागड़ी बहुत बैठे कई एक उम्मा के बागड़ी हां बैठे हुए ठीक 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 क्यों मैंने एक दो बंदे बोलते दिखे बागड़ी उरा को ना मैं देखा ना बागड़ी बोलते दिखा था मैं कहीं उरा है इसका मतलब है बागड़ी हां बैठे ठीक ठीक चलो बुजुर्गो अस्सलाम वालेकुम फिर मैं जाऊं।